बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, असी इस वेले मौजूद हाँ श्री चमकौर साहिब, वो धरती जिथे दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के वड्डे साहिबजादिया ने शहादत का जाम पीता। पिछे तुसी दर्शन कर रहे हो गुरद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब, श्री चमकौर साहिब। ये गुरद्वारा साहिब उस अस्थान पर सुशोभित है जिथे चमकौर की जंग लड़ी गई। इस मैदान के दोने वड्डे साहिबजादे 40 सिंह ते 3 प्यारे शहादत का जाम पी देने। संगत जी, इस मैदान तो बिल्कुल नेड़े चमकौर की वो कच्ची गड़ी सुशोभित सी जिथे दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और उन्हां दे सिंघां ने आके जंग लड़ी, और इस मैदान दे विच वड्डे साहिबजादियां ने शहादत का जाम पीता। 8 पो दे दिन इस अस्थान ते वड्डे साहिबजादियां दी शहादत हुंदी है, पर गुरु दे 40 सिंघ 10 लख दी फौज नाल इत्थे सूरबीरता नाल मुकाबला करदे ने। संगत जी, इस स्थान पर वड्डे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, 3 प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोकम सिंह जी ते भाई साहिब सिंह जी समेत 40 गुरु दे सूरमे सिंह जेडे शहादत का जाम पी गए। और इस स्थान पर ही 40 सिंह, 3 प्यारे ते 2 वड्डे साहिबजादे इकट्ठिया अंगीठा साहिब दे विच संस्कार किया गया। इस स्थान पर वड्डे साहिबजादे ते सिंघां दा अंगीठा साहिब है। संगत जी, संस्कार की सेवा बीबी शरण कौर जी पिंड फरीदगढ़ी वालिया ने निभाई सी, तां अज इस पवित्र धरती ते लखां दी गिणती च संगत नतमस्तक बनाउंदी है, क्योंकि ये वो धरती है जिथे सरबंसदानी दशमेश पिता दे दोवें वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह ने शहादत का जाम पीता। तो इस स्थान पर उन्हों का अंगीठा साहिब है, क्योंकि बीबी शरण कौर ने अपने हथी उन्हों का संस्कार किया। दोनों वड्डे साहिबजादियां, 3 प्यारे ते 40 सिंह सारियां दा इकट्ठिया इको स्थान पर संस्कार किया गया। तो संगत जी, इस पवित्र धरती ते नमन करना ना भुलना। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।